ये लूप का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और तीन लूप्स हम लास्ट टाइम कर चुके थे, डू स्टेरिक और डू लिस्ट। डिफरेंस आपको बताया था कि डू और डू स्टेरिक में सिर्फ वैल्यू अपडेट का है, यानी डू जो है वो साथ साथ वैल्यूज को अपडेट नहीं करता और डू स्टेरिक जो है वो वैल्यूज को साथ साथ अपडेट भी कर रहा होता है। एक बिहेवियर डू और डू स्टेरिक का ये है कि ये जब आप एग्जाम्पल कर रहे थे तो आपने देखा कि हम लिस्ट को जब भी प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेसिंग में आपको उस लिस्ट का कॉल लेना पड़ता है और साथ में CDR करना पड़ता है, यानी जब भी आर्गुमेंट में एक लिस्ट आएगी तो लिस्ट इज लाइक एरे स्ट्रक्चर। तो एरे में क्या करते हैं, आपके इंडेक्स वाइज वैल्यू उठाते हैं, यहाँ पे आप क्या करेंगे कॉल और CDR से वैल्यूज को प्रोसेस करेंगे, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जब भी लूप अप्लाई करेंगे तो आपको आर्गुमेंट में लिस्ट ही मिलेगी। अगर लिस्ट के अलावा कोई वैल्यू मिलती है जिसके ऊपर आपने लूप कोई परफॉर्म करना है, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल में कहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी नंबर का टेबल प्रिंट करना है, हमने जो है वो फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम्स अगर किसी स्पेसिफिक एग्जांपल में हमने कोई इस तरह का सिनेरियो इम्प्लीमेंट करना हो तो वहां पे आप क्या करेंगे कि आर्गुमेंट में ऑब्वियस बात है लिस्ट नहीं होगी। तो डू लूप या डू स्टेरिक लूप एक जेनेरिक लूप है जो कि एग्जांपल जिस तरह की मर्जी हो उस पर अप्लाई हो सकता है, लेकिन चूंकि थोड़ा सा उसका सिंटेक्स डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, ब्रैकेट्स आ जाती हैं बीच में, तो डेवलपर्स ने आपकी आसानी के लिए आपको क्या बताया था कि डू लिस्ट जो लूप है वो भी डिजाइन किया है। डू लूप की तरह का बिहेवियर है इसका, लेकिन ये अप्लाई होता है लिस्ट के ऊपर, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, डू लिस्ट। इसका सेंटेक्स हम लास्ट टाइम देख चुके थे कि इसका सेंटेक्स जो था वो कुछ यूं था कि आप जो है, मैं अगर डू लिस्ट के सिंटेक्स की बात करूं तो हमने कुछ यूं कहा था कि आप लिखेंगे डू लिस्ट और ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं यहाँ पे वेरिएबल होता है, यहाँ पे एक लिस्ट होती है और ये जो है जिसको आप एंड वैल्यू कहते हैं या रिटर्न वैल्यू कहा था हमने, रिटर्न वैल्यू होगी एंड देन जो है लूप की बॉडी आती है, ये सारा पोर्शन लूप की बॉडी में चला जाएगा, ये सिंटेक्स है। लेकिन एक चीज ये है कि ये जो लूप है, अब ये जो डू लिस्ट का लूप है ये स्पेसिफिकली लिस्ट के लिए बनाया गया है, तो लिस्ट पे ही अप्लाई होगा, यानी इस फंक्शन को जब भी आप अप्लाई करेंगे डू लिस्ट आप सिर्फ वहां अप्लाई कर सकते हैं जहां पे आर्ग्यूमेंट क्या होगी, लिस्ट होगी। लिस्ट के अलावा कोई एग्जांपल होगी तो उस पर अप्लाई ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर क्या किया डेवलपर्स ने, आपकी आसानी के लिए एक और लूप बना दिया जिसका नाम क्या है, डू टाइम्स। हमारे पास जो फोर्थ नंबर पे लूप है वो क्या है, डू टाइम्स। डू टाइम्स का भी गालबन सेंटेक्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। डू टाइम्स और डू लिस्ट में सिर्फ ये डिफरेंस है कि जब आप लिखेंगे डू टाइम्स तो वो नंबर ऑफ टाइम्स एक्सक्यूट होगा, यहां वेरिएबल आएगा, यहां पे उसकी इनिशियल वैल्यू आएगी, सॉरी ये इसको हमने एंड वैल्यू गालबन कहा था, तो ये क्या होगी, एंड वैल्यू, यानी ये कब तक ये लूप चलेगा। इसी तरह रिटर्न वैल्यू होती है और रिटर्न वैल्यू के बाद जो है उसकी बॉडी होती है, ठीक है। तो प्रीवियस एग्जांपल में हम इसके जो है एग्जांपल्स भी कर चुके हैं, लास्ट जो हमारी क्लास थी, क्लियर है ना। अच्छा, तो एक लूप हमारे पास रह गया है व्हाइल लूप। ये जो व्हाइल लूप होगा इसका जो बिहेवियर है एग्जैक्टली जो C++ लैंग्वेज में आप व्हाइल लूप करते हैं उसी तरह का बिहेवियर है। अगर मैं इसके सिंटैक्स की बात करूं तो आप लिखते हैं व्हाइल, व्हाइल में यहां कोई ना कोई कंडीशन आएगी तो आप क्या पास करेंगे, कंडीशन पास करेंगे और फिर जो है ये लूप की बॉडी यहां से स्टार्ट होती है, ये लूप की बॉडी आ जाती है, ठीक है। यानी कंडीशन जब तक ट्रू है ये लूप चलता रहेगा, कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी तो ये बॉडी इसकी क्या हो जाएगी, स्किप कर जाएगा बॉडी में, ठीक है। यानी इसका बिहेवियर रिवर्स नहीं है, जैसे डू में कंडीशन फॉल्स के ऊपर बॉडी एक्सक्यूट करता है, तो व्हाइल जो है व्हाइल का बिहेवियर एक्जेक्टली वही है जो आप C++ में यूज करते रहे कि व्हाइल कंडीशन, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन बॉडी एक्सक्यूट होगी, अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी तो बॉडी में लूप बॉडी से वो क्विट कर जाएगा। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम व्हाइल की। जब भी आप व्हाइल यूज करते हैं तो आपको एक कंडीशन के लिए कोई ना कोई कंट्रोल वेरिएबल चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल
प्रीवियस हमने क्या एग्जांपल की थी? टेबल प्रिंट किया था। अच्छा चलें से एक सिंपल सी एग्जांपल हम करते हैं। मैं कहता हूँ एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है 10, सेट क्यू एक्स है और उसकी वैल्यू क्या है 10 है, ठीक है। तो मैं एक लूप लगाता हूँ वाइल एक्स इज ग्रेटर देन 5, सॉरी कैसे लिखेंगे, ग्रेटर एक्स 5, ये कंडीशन आ जाएगी। कंडीशन क्या है कि जब तक एक्स जो है वो ग्रेटर देन 5 है तब तक क्या करना है, से मैं सिंपल इस अभी एक्स की वैल्यू को ही प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट वैल्यू ऑफ एक्स एंड देन सेट क्यू वैल्यू ऑफ एक्स एंड इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एक्स, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। क्या आउटपुट आनी चाहिए, इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो 10 है, 10 इज ग्रेटर देन 5, यस कंडीशन ट्रू होगी तो लूप की बॉडी एक्सिक्यूट होगी। बॉडी में हम कह रहे हैं एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर दो, सो एक्स की वैल्यू 10 है तो 10 जो है वो यहाँ प्रिंट होगा, और यहाँ इस स्टेटमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ कि उस एक्स की वैल्यू में से एक प्लस कर दिया, बेसिकली माइनस होना चाहिए तो माइनस कर दिया मैंने उस एक्स की वैल्यू को, तो 10 में से वो क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। सेट क्यों किया, क्योंकि अपडेट भी करना है, 1 माइनस फंक्शन जो है वो अपडेट नहीं करता, अपडेट करने के लिए आपको सेट क्यों करना पड़ेगा। सो वैल्यू ऑफ एक्स चेंज हो जाएगी, 9 हो जाएगी, फिर से जो है लूप यहाँ से कंडीशनल पोर्शन पे जंप करेगा, यानी वो जंप कहाँ करता है, बॉडी जैसे ही खत्म होती है तो कंडीशनल पोर्शन पे जंप करेगा, अगेन कंडीशन चेक होगी, नाउ वैल्यू ऑफ एक्स इज 9 इज ग्रेटर देन 5, बॉडी एक्सिक्यूट होगी, डिक्रीमेंट होता रहेगा और ये लूप जो है वो 5 टाइम्स एक्सिक्यूट होगा, और आउटपुट क्या आनी चाहिए हमारे पास, आउटपुट आनी चाहिए थी 10 9 अप टू 5 वैल्यू, लेकिन यहाँ पे जो एरर है वो एरर क्या है कि ग्रेटर देन एक्स विच इज एन अनडिफाइंड फंक्शन, एक्चुअली मैंने ग्रेटर देन एक्स के दरमियान में जो है वो स्पेस नहीं लिखी, तो ये एरर है, ग्रेटर देन एक्स 5, सो 10 9 8 7 6, ठीक है, एंड पे जो है वो नील आ रहे हैं, ये एंड पे नील क्यों आ रहा है, आपको बताया था कि जब भी कोई भी एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होती है लिस्प में हम एक स्टेटमेंट यूज करते हैं कि एवरीथिंग इन लिस्प इज इवैल्यूएटेड, तो जो भी फंक्शन वगैरह आप कॉल करते हैं उसने दोनों को वैल्यू रिटर्न करनी होती है, और कोई भी फंक्शन चाहे वो बिल्ट इन है या चाहे यूजर डिफाइंड है, वो वैल्यू जो रिटर्न करता है वो वैल्यू होती है जो फंक्शन की बॉडी में लास्ट वाली स्टेटमेंट होती है। तो बेसिकली ये नील जो आया है ये इस लास्ट स्टेटमेंट की वजह से आया है, बिकॉज जो वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो क्या हो चुकी थी 5, 5 इज ग्रेटर देन 5 कंडीशन चेक हुई, वहां से जो वैल्यू रिटर्न हुई वो क्या था, वो था नील, और चूंकि वो लास्ट स्टेटमेंट थी लूप की तो वो फंक्शन ने रिटर्न कर दी और वो वैल्यू क्या है नील, सही है। तो वाइल भी यूज किया जा सकता है, मल्टीपल लूप्स हैं, अब आपने बिहेवियर जो है वो एनालाइज करना है। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपने जो है किसी लिस्ट के ऊपर प्रोसेसिंग करनी है तो वहां सबसे सूटेबल फंक्शन होगा लूप होगा वो डू लिस्ट होगा। अगर आपसे ये कहा जाता है कि नंबर ऑफ टाइम्स किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है और पता है कि कितने टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, लाइक ये स्टेटमेंट मुझे पता है मैं 5 टाइम्स चला रहा हूँ, इस लूप को वाइल लग सकता है, यहाँ पे डू लिस्ट की डू टाइम्स लग सकता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप ये सुन लेंगे डू टाइम्स जो लूप है वो फॉर लूप की तरह काम करता है जो आप C++ में पढ़ते हैं, ठीक है, वाइल लूप का वही बिहेवियर है जो C++ में होता है, और इस तरह डू लूप जो है ये एक जेनेरिक लूप है, डू लूप के साथ आप हर एग्जांपल कर सकते हैं, चाहे लिस्ट है चाहे नंबर है कुछ भी है आप उस डू लूप के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बाद में जो लूप बनाएंगे वो आसान है, सिंटैक्स वाइज आसान है, तो ज्यादा कोशिश ये करें कि बिहेवियर जो है वो एग्जाम्पल का समझ के उसके मुताबिक लूप अप्लाई करें ताकि आसानी हो। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे ये कहा था कि टेबल प्रिंट करना है या फैक्टोरियल फाइंड करना है, कुछ इस तरह की एग्जांपल की थी, और आपसे ये कहा था कि डू टाइम्स के साथ ये नहीं हो सकता, डू लिस्ट के साथ ये नहीं हो सकता, फैक्टोरियल नहीं था मेरे ख्याल में, क्या करे थे, हाँ टेबल प्रिंट करना है, नंबर भी यूजर से लेना है और नंबर ऑफ टाइम्स जब जितने टाइम्स वो एक्सक्यूट करना है ये भी यूजर से लेना है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो है मैं डू लिस्ट के साथ नहीं कर सकता, मुझे डू टाइम से करनी पड़ेगी, की थी एग्जांपल ये करवा दो, सर करवा दो, आपके साथ उसमें
सेम हम एक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं डिफ वन टेबल ऑफ जिसको मैं कह रहा हूँ नंबर और सेकंड जो आर्गुमेंट है हम उसे कहेंगे टाइम्स। जी एक नंबर का हमने टेबल प्रिंट करना है, कितने टाइम्स प्रिंट करना है वो भी यूजर बताएगा। सही है, तो मैंने आपको ये बताया कि नंबर ऑफ टाइम्स जिसको मैंने एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ मैं डू लिस्ट अप्लाई नहीं कर सकता बिकॉज जो आर्ग्यूमेंट आ रही है वो एक नंबर है, दोनों क्या है नंबर है, वो जिस नंबर का टेबल प्रिंट करना है वो भी एक न्यूमेरिक वैल्यू, और नंबर ऑफ टाइम्स उसको प्रिंट करना है वो भी क्या होगी एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी। सो मैं यहाँ पे डू लिस्ट नहीं लगा सकता बट डू टाइम्स के साथ शायद मैं ये इसको कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि डू टाइम्स का यही काम है कि नंबर ऑफ टाइम्स वो एग्जीक्यूट करता है उस लिस्ट को। लेकिन सबसे बड़ा मसला डू टाइम्स का ये है कि वो स्टार्ट जीरो से होता है, वो क्या होता है स्टार्ट जीरो से होता है। तो अब ये जो करंट एग्जांपल है इसमें हमने टेबल प्रिंट करना है, तो ऑब्वियस बात है कि वो स्टार्ट जो है वो जीरो से ही होगा या वन से होगा, टेबल आप कहते हैं फाइव का प्रिंट करना है तो फाइव इंटू वन होगा जैसे होगा, ठीक है ना। मुझे लगता है मैंने एग्जांपल कल आपको कराई है लास्ट में। अच्छा मैं समझ गया, पहले एग्जांपल हम कर लेते हैं फिर उसको देख लेते हैं। सो मैं ये कह रहा हूँ कि वेरिएबल है, एक वेरिएबल है वी ए आर, इसमें जो है वो वैल्यू आएगी और कब तक वैल्यू चलेगी ये टाइम्स टाइम, और हमने कहा था कि एंड पे एक वैल्यू जो है वो प्रिंट होती है, वो लाजमी प्रिंट होती है, उसे हमें करना पड़ेगा। जी प्रिंट क्या लिखा था हमने, प्रिंट सबसे पहले क्या प्रिंट होता है, नंबर प्रिंट होते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई साइन प्रिंट होता है, सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट्स के साथ होगी बिकॉज एक लाइन में प्रिंट करना है, देन इज इक्वल टू आएगा या फाइव, बेसिकली यहां पे आप आएगा वेरिएबल आएगा वन प्लस वेरिएबल एंड देन प्रिंट्स क्या कहा था हमने इज इक्वल टू जी इक्वल के बाद क्या होगा प्रिंट्स मल्टीप्लाई नम विद वन प्लस ऑफ वेरिएबल, ये एग्जांपल थी। जी टू टाइम्स लगा दिए, अच्छा जी डू लिस्ट नहीं डू टाइम्स के साथ हो गई। सो डू टाइम्स टेबल ऑफ से फाइव, और हम कह रहे हैं कि टेबल ऑफ फाइव प्रिंट करना है, कितने टाइम्स प्रिंट करना है, टेन टाइम्स प्रिंट करना है, सही है। अच्छा अब ऐसा है कि हम इसमें चेंज करना चाह रहे हैं, क्या चेंज करना चाह रहे हैं, वो चेंज ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ यूं कॉल हो टेबल ऑफ लेट्स से फाइव सिक्स सेवन एट, इन सब का टेबल प्रिंट हो, ठीक है, और जो सेकंड लिस्ट है वो सेकंड लिस्ट में हम क्या करना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स बताना चाह रहे हैं कि भाई ये कितने टाइम्स जो है टेबल प्रिंट करने हैं, ठीक है, यानी इसका मतलब है फर्स्ट लिस्ट में जो पहली वैल्यू है फाइव, इस फाइव का मतलब यह है कि हम इस वैल्यू सॉरी टेबल ऑफ फाइव प्रिंट करना चाह रहे हैं, और लिस्ट टू में जो फर्स्ट वैल्यू है टेन, इसका मतलब है कि फाइव के टेबल अप टू टेन जो है वो हमने प्रिंट करना है। अब अगर पहले वाले केस में अगर आप देखें तो वो जो लूप हमने लगाया था वो उस लूप का काम था इस फाइव का टेबल प्रिंट करना, कहां से वन से लेके टेन तक प्रिंट करना, तो वो जो लूप लगा था वो वन से टेन टाइम्स उसको प्रिंट करवाने के, नंबर ऑफ टाइम्स उसको चलाने के लिए हमें लूप लगाना पड़ा। अब यहां मसला ये है कि आर्गुमेंट में लिस्ट आ रही है, इस फाइव का टेबल टेन टाइम्स प्रिंट करने का मतलब यह है कि एक लूप होगा और जो इन लिस्ट को प्रोसेस करेगा उसके लिए मुझे एक अलग लूप लगाना पड़ेगा।
एक जो लूप हमारा पहले लूप काम कर रहा है ना, ये वाला जो डू लिस्ट हमने लिखा है डू टाइम्स, इसका मत इसका सिर्फ काम ये है कि एक नंबर का नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो टेबल प्रिंट करेगा। जो टॉप पे अब लिस्ट आ रही है, लिस्ट का पहला एलिमेंट उठाना, दूसरी लिस्ट में से फिर पहला एलिमेंट पिक करना, उसके लिए मुझे एक और लूप रन करनी पड़ेगी। समझ आई ये बात? तो इट मीन्स ये एक सिंगल लूप के साथ नहीं होगा बल्कि ये नेस्टेड लूप के साथ होगा। तो चलें ठीक, नेस्टेड लूप के साथ होगा, लेकिन अब ये बताएं कि लूप कौन सा यहाँ पे सूट करेगा इसको हैंडल करने के लिए। लिस्टें आ रही हैं तो डू लिस्ट हम लगा सकते हैं। ये यहां तक का काम तो ठीक है, यहां पे क्या करूं अब मैं कह रहा हूं डू लिस्ट, डू लिस्ट के साथ अगर ये हो सकता है तो हम यूं लिखते हैं कि लेट्स से एक वेरिएबल होगा जिसको मैं वी कह रहा हूं, यहां पे इसको मैं नम्स कह रहा हूं अब, ठीक है एक नम्स, क्योंकि नंबर्स आएंगे, बल्कि ऐसा करते हैं कि नम्स लिस्ट कर देता हूं इसको आर्ग्यूमेंट को, और इसको मैं टाइम्स लिस्ट कर रहा हूं, नंबर्स की लिस्ट है एक और एक नंबर ऑफ टाइम्स की जो है वो लिस्ट आएगी। अच्छा जी, तो ये जो आउटर डू लिस्ट होगा इसका काम क्या होगा बेसिकली कि नम्स लिस्ट जो होगी उसका कार जो है वो वी को साइन करेगा, ऐसा ही है ना। अच्छा, और फिर एंड पे हमें एक वैल्यू लिखनी पड़ती है, फॉर एग्जांपल मैं उसे इस केस में डन कह रहा हूं ये, तो ये नम लिस्ट जो है, नम्स लिस्ट जो है उसका जो कार होगा वो वी में डू लिस्ट उठा के दे देगा, उसका कार कहाँ आ जाएगा वी में आ जाएगा। अब मैं डू टाइम्स को वेरिएबल की जगह पे वी में कार जब होगा तो यहां पे क्या चेंज आएगा, प्रिंट वी होगा, ठीक है। यहां पे नम्स लिस्ट में अब एक लिस्ट आ रही है, उस लिस्ट का जो कार है वो ऑटोमेटिकली वी में चला जाएगा, सही है दो लिस्ट की वजह से, और इस दो लिस्ट के अंदर डू टाइम्स लगा हुआ है तो वो जो वैल्यू वी में आ रही है उसका आप टेबल प्रिंट करना है, कितने टाइम्स प्रिंट करना है। अब यहां टाइम्स तो नहीं आएगा तो यहां क्या आएगा, कार ऑफ टाइम्स क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज जो ऑटो डू लिस्ट है जो लूप है वो सिर्फ आपको एक लिस्ट का कार करके दे सकता है, एक से ज्यादा का कार वो उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो एक लिस्ट का कार जो है वो हमें आउटर लूप जो डू लिस्ट है वो प्रोवाइड करेगा, लेकिन सेकंड के लिए आप मुझे कार और सीडीआर दोनों करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं यहां कह रहा हूं कि क्या करो, वी में वैल्यू आएगी, उस वी में जो वैल्यू है बेसिकली उसका टेबल प्रिंट करना है, लेकिन ये जो वेरिएबल होगा इस वेरिएबल में क्या होगा कि जो टाइम्स लिस्ट होगी, टाइम्स लिस्ट लिखना है, उसका जो कार होगा वो वेरिएबल में जाएगा, दो लोग लेंगे दो, एक टॉप पे लगा दिया ना, चलिए मैं इसको सेट करता हूँ ना, मैं जो चेंजेस है वो कर लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे नम की जगह आप क्या आएगा, सॉरी वन प्लस वेरिएबल ही होगा और प्रिंट वी, बिकॉज वी जो है चले देखते हैं क्या चेंज आए।
जी अभी तक जो हमने जी चलें देख लेते हैं, एनालाइज करते हैं कि बेसिकली इसमें एरर क्या है। टू मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू टू, यानी टेबल जो है जो भी हमने कॉल की है टू का टेबल जो है वो फाइव टाइम्स प्रिंट हुआ है, फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट का टेबल प्रिंट हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो सेकंड सेकंड पे नहीं गया। तो जरा देखते हैं कि सेकंड सेकंड पे जाने की क्या रीजन है। सेकंड लिस्ट जो है उसका सीडीआर नहीं किया, ये जो टाइम्स लिस्ट है इसका सीडीआर मैं यहाँ कर रहा हूँ। ये नंबर्स वाली जो लिस्ट है उसका सीडीआर करना है, तो जो नम्स लिस्ट है उसका सीडीआर जो है वो ये वाला लूप नहीं करेगा, वो ऑटो करेगा ना। जी नम्स लिस्ट का सीडीआर जो है वो ऑटो होना चाहिए। एक्चुअली जो इसने एरर दिया है वो एरर है डिल इज नॉट एक्सपेक्टेड टाइप रियल। सो जब ये कंप्लीट हुआ जी, तो एरर ये था कि हम क्या कर रहे थे कि हमने ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको इनर लूप जो है उसकी बॉडी का पार्ट बनाया हुआ था यहाँ। ठीक है, जरा समझ लें कि बेसिकली हो क्या रहे। हम ये कह रहे हैं कि हम कॉल कुछ यूं करेंगे, ये कॉल है, पहली लिस्ट जो होगी उसमें नंबर्स पड़े होंगे, ये वाली लिस्ट, यानी हम टू का टेबल जो है वो फाइव टाइम प्रिंट करने से आ रहे हैं, थ्री जो है वो सिक्स टाइम, थ्री का टेबल सिक्स टाइम्स आउट, जो फोर है उसका टेबल जो है वो टेन टाइम्स जो है वो हम प्रिंट करना चाहते हैं। बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने ये किया कि नाम्स लिस्ट जो पहली लिस्ट थी उसको नाम्स लिस्ट का और जो सेकंड लिस्ट थी उसको टाइम्स लिस्ट का, मैंने यहाँ पे डू लिस्ट लगाया और मैं ये कह रहा हूं कि जो नाम्स लिस्ट है उसका जो कार है वो ऑटोमेटिकली वी में चला जाएगा। ठीक है, और जब वो वी में चला जाएगा तो मैंने उस वी का क्या करना है, टेबल प्रिंट करवाना है, कितने टाइम्स प्रिंट करवाना है, जो टाइम लिस्ट का कार होगा उतने टाइम प्रिंट करना है। तो मैंने यही किया, मैंने कहा कि दो टाइम्स एक और जो है वो लूप बनाओ और जो टाइम लिस्ट का कार है वो वेरिएबल को असाइन कर दो। टाइम लिस्ट का कार क्या था, फाइव था, वेरिएबल में फाइव आ जाएगा और मैं कह रहा हूँ प्रिंट वी, इस वी में क्या पड़ा होगा, इस वी में जो फर्स्ट वाली लिस्ट है उसका कार आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई होगा वन के साथ, इक्वल होगा और इंक्रीमेंट होके ये लूप चलना, ये वाला लूप जो है वो स्टार्ट होगा। अब ये लूप जो है वन से लेके कितने टाइम चलेगा, वेरिएबल टाइम, सॉरी कार ऑफ लिस्ट टाइम, कार ऑफ लिस्ट करंट एग्जांपल में क्या थी, फाइव थी, इसका मतलब टू का टेबल फाइव टाइम्स प्रिंट होगा, तो ये लूप जो है वो टू का टेबल फाइव टाइम प्रिंट करेगा। इस लूप ने क्या करना है, टू का टेबल जो है वो फाइव टाइम्स प्रिंट करवाना है। जैसे ही लूप ब्रेक होगा तो ये जो आउटर लूप है उसकी एक एडजस्टमेंट स्टार्ट हुई थी, वी में क्या आया था, बेसिकली न्यू लिस्ट का कार आया था, यानी न्यू लिस्ट का कार टू है इस वाले केस में, तो ये ऑटोमेटिकली नम्स लिस्ट को क्या करेगा। उससे पहले यहां अगर आप देखें तो मैंने टाइम्स लिस्ट का सीडीआर किया हुआ है, क्यों, क्योंकि मैंने सेकंड जो लिस्ट है उसको कम करना है। लेकिन जो बात समझने वाली है वो ये है कि नम्स लिस्ट का सीडीआर और कार मैं नहीं कर रहा, उसका कार और सीडीआर मुझे डू लिस्ट करके दे रहा है, और ये लिमिटेशन है डू लिस्ट की कि वो एक लूप के लिए एक लिस्ट को जो है वो कार सीडीआर कर सकता है, एक से ज्यादा को नहीं कर सकता। सो सेकंड लिस्ट के लिए मुझे जो है वो कुछ उसमें एडिटिंग करनी पड़ी कि जो सेकंड लिस्ट का कार होगा यहाँ पे ये जो है, और जो सेकंड लिस्ट का सीडीआर होगा वो मुझे खुद से परफॉर्म करना पड़ेगा जैसे यहाँ पे किया। ठीक है, समझिए बात, और इसी तरह से आउटर लूप और इनर लूप जो है चलेंगे। मैं अगर इसको फॉर एग्जाम्पल अब चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ टू के टेबल जो है 15 टाइम प्रिंट करना है, ठीक है, थ्री का टेबल जो है वो सिक्स टाइम और फोर का टेबल टेन टाइम्स, तो इस केस में अगर आप देखें तो हमारे पास टू का टेबल जो है वो कितने टाइम्स प्रिंट हो रहा है, 15 टाइम, थ्री का टेबल जो है वो सिक्स टाइम्स और जो फोर का टेबल है वो कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स। सही है, बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डू लूप और डू लिस्ट लूप को जो है वो यूज कर सकते हैं। जी जी वो हमें फर्स्ट लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट जी
इसके अंदर ही हम डू लिस्ट को नेस्टेड करके टाइम वाली लिस्ट का भी पहले एलिमेंट निकलवा सकते हैं और उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। जब आप उस लूप तो फिर ये जो डू टाइम्स जो लगता है आप वहाँ करना चाह रहे हैं, मतलब डू टाइम्स की जगह डू लिस्ट का ही और लूप लगा दें और टाइम वाले का भी पहला एलिमेंट आ जाएगा उस वेरिएबल में। फिर वो बेसिकली जब आप नेस्टेड लूप लगाते हैं तो नेस्टेड लूप का मतलब ये होता है कि आउटर लूप मल्टीप्लाई बाय इनर लूप, तो ये फिर तीन लूप आप लगाएंगे और आउटर मल्टीप्लाई इनर का मतलब ये है कि अगर आउटर लूप आपका 5 times चल रहा है और इनर लूप 3 times चल रहा है तो 5 × 3 = 15 times लूप चलना स्टार्ट हो जाए। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप इनर आउटर लूप लगाते हैं तो जो आउटर लूप है उसकी पहली आइट्रेशन के लिए इनर लूप अपनी सारी आइट्रेशन कंप्लीट करता है। मींस के अगर आउटर लूप की टोटल 5 iterations है, उसने 5 times चलना है, इनर लूप ने 10 times चलना है। जो आउटर लूप की फर्स्ट आइट्रेशन होगी उस आइट्रेशन में जो इनर लूप होगा वो अपनी 10 complete iterations करेगा, ठीक है। तो इस तरह अगर आप कह रहे हैं कि डू लिस्ट जो टॉप वाला लूप है उसमें एक और लिस्ट लगा दो तो वो गलत हो जाए, वो फिर वो नेस्ट का कॉन्सेप्ट है जो हम थोड़ी देर में या मे बी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। अभी हम फ्लैट लिस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, एक ही लिस्ट है टॉप लिस्ट है, उस लिस्ट में पॉसिबल है कि एक और लिस्ट आ जाए, फिर देखिएगा कि हमारे फंक्शन फेल होना शुरू हो जाएंगे, समझ रही बात। अच्छा जी, तो ये जो कॉन्सेप्ट है डू लिस्ट का है, क्या मैं इस वाली एग्जाम्पल को वाइल के साथ कर सकता हूँ, वाइल लूप लिखा जा सकता है। यहाँ टॉप जो लिस्ट है, जो टॉप लिस्ट है ना डू लिस्ट, वहां तो मैं वाइल नहीं लगा सकता, डू लिस्ट की जगह पे वैसे वाइल लग सकता है। वाइल को, वाइल के पास जो आर्ग्यूमेंट ऑफ फर्स्ट पास करते हैं वहां कंडीशन आती है, तो वहां पे आप नल ऑफ लिस्ट की कंडीशन लगा सकते हैं। यानी ये समझाना चाह रहा हूं कि जो वाइल लूप है वो भी तकरीबन डू लूप की तरह एक जेनेरिक लूप है, उसकी कंडीशन में लिस्ट भी आ सकती है, उसकी कंडीशन में नंबर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो डू लिस्ट है और डू टाइम्स है ये जेनेरिक लूप नहीं है, ये स्पेसिफिक लूप है जो कि स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाए गए। डू लिस्ट ओनली लिस्ट के लिए होगा, डू टाइम्स सिर्फ नंबर ऑफ टाइम्स उसको एग्जीक्यूट करने के लिए होगा। डू टाइम्स में आप जो है वो आर्ग्यूमेंट लिस्ट नहीं पास कर सकते, मतलब कि अगर आप चाह रहे हैं कि एक लिस्ट है उस लिस्ट को प्रोसेस करने वो डू टाइम्स का बिहेवियर नहीं है। तो लूप को डिजाइन करने का पर्पस जो है वो स्पेसिफिकली किसी जो है वो क्राइटेरिया के लिए डिफाइन किया जाता है, समझिए बात। तो वाइल के साथ ये एग्जांपल हो सकती है, ये और बात है कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, डू लूप के साथ आप करना चाहें हो सकती है, लेकिन जो लूप जिस पर्पज के लिए बनाया गया आप कोशिश करेंगे उसको उसी पर्पज में इम्प्लीमेंट करें, क्लियर जी। ये कोड आपको सारे मिल जाएंगे, हम इंशाल्लाह जो है वो अपलोड कर देंगे तो आप ले लीजिएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट जो है वो टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ जी। तो बेसिकली जो लूप्स का टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे, सही क्लियर नहीं हुआ जी। तो मैं ये बता रहा था आपको कि अगर आप एक लिस्ट जो कि फ्लैट लिस्ट थी, तो आ रहा है आप लोगों को, हमने एक फंक्शन लिखा था सम के नाम से प्रीवियस क्लास में जब लूप स्टार्ट किया था तब, तो हम इस तरह से कुछ एक फ्लैट लिस्ट को सम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम वहां आएगी जब आप लिस्ट में एक और लिस्ट लेके आएंगे जिसे हम एम्बेडेड लिस्ट कहते हैं, लिस्ट विद इन लिस्ट जब आएगी तो बेसिकली क्या होगा कि वहां पे हमारा सम फंक्शन फेल हो जाएगा। रीजन क्या है कि जब प्लस करेंगे आप इस एलिमेंट को 4, 5 को, चूंकि 4, 5 एक लिस्ट है प्लस फंक्शन इस पे अप्लाई नहीं हो सकता, तो इन शॉर्ट हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें एक चेक ऐड करना पड़ेगा अपने कोड के अंदर, और वो ये होगा कि जब लिस्ट आएगी तो उस लिस्ट के लिए एक एडिशनल लूप लगेगा जिसे मेडल लूप कह सकते हैं। मैं यहाँ पे यही करने की कोशिश कर रहा था कि आप ये कह रहे हैं कि अगर लिस्ट पी है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अगर लिस्ट पी है तो बेसिकली क्या करना है लिस्ट पी के केस में,
हमने एक और डू लूप लगाना है जो उस इंटरनल लिस्ट जो कि कार ऑफ टाइम पे एक लिस्ट थी उसके ऊपर चलेगा और उसका जो है वो सम करेगा एग्जैक्टली वैसे ही जैसे टॉप लूप करे। सही है, समझ रहे बात? तो बात यहां पे नहीं खत्म होती। अगर लिस्ट जो है मजीद इम्बेड हो जाए, मजीद इम्बेड का मतलब यह है कि लिस्ट ऑफ 4-5 है, तो मैं इस 5 को भी अगर इम्बेड कर दूं एक और लिस्ट के अंदर, कुछ ठीक है, ये अब एलिमेंट बन जाएगा और ये दो लिस्ट के अंदर आ गया इस तरह से। एक ये लिस्ट है 4-5 वाली और इस 4-5 वाली लिस्ट में एक और लिस्ट आ गई, यानी अब लेवल 3 तक जा चुके हैं हम। मजीद हमने क्या कर दिया, उसको इम्बेड कर दिया। तो जितने लेवल्स बढ़ेंगे उतने ही नंबर ऑफ लूप्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा कि जब ये लिस्ट जो है वो कुछ हो फ्लैट लिस्ट थी, लिस्ट ऑफ 2, 3, 4, 5 था, तो एक लूप से सॉल्व हो रही थी। जैसे ही मैं इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट लेके आऊंगा, अगर मैं यूं कहता हूं तो अब इस लिस्ट को सॉल्व करने के लिए मुझे दो लूप चाहिए। एक लूप जो है वो इसको सॉल्व करेगा और जो रिमेनिंग लूप है दूसरा वाला वो क्या करेगा, फ्लैट लिस्ट वाले एलिमेंट्स को 2 और 5 को भी साथ में ऐड करवाएगा। सो मैं ये बता रहा हूं कि अगर यहां पे लिस्ट को मैं मजीद एम्बेड कर दूं, लाइक एक और लिस्ट आ जाए, ये थर्ड लेवल है, तो दो की तो बात जब हम करेंगे तो दो लूप लगा लेंगे, लेकिन तीसरी जब लिस्ट आएगी तो फिर ऑब्वियस बात है हमें तीसरा लूप ऐड करना पड़ेगा। और अब यहां पे कोई कंफर्म भी नहीं है कि लिस्ट में एक लिस्ट होगी, दो होंगी, तीन होंगी, चार होंगी, तो नंबर ऑफ लिस्ट जैसे जैसे बढ़ेंगी हमारे लूप्स हैं वो वैसे वैसे क्या होंगे, एक्सटेंड होना शुरू हो जाएंगे। एम्बेड लिस्ट में जितने लेवल पे आप जाएंगे उतने लेवल पे हमें उतने ही लूप लगाने पड़ेंगे। अगर एक लिस्ट में दो लिस्ट मजीद हैं, दो लिस्ट का मतलब है कि वो एम्बेड है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टॉप लेवल की लिस्ट है ये वाली, और इसका ये जो है ये पहला एलिमेंट है, इसी तरह से ये यहां से लेके यहां तक क्या है, दूसरा एलिमेंट है, और ये जो वैल्यू है ये थर्ड एलिमेंट। ये जो सेकंड एलिमेंट है इसके अंदर मजीद क्या है, एक और लिस्ट है, इसको सॉल्व करने के लिए एक लूप चलेगा, यहां से लेके यहां तक इसको सॉल्व करने के लिए एक लूप चलेगा, और रिमेनिंग जो एलिमेंट है उसके लिए एक लूप चलेगा। तो इट मीन्स के जो हम अभी आइटरेशन का सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं ये कोई फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। हम यहाँ पे लूप नहीं लगा सकते, जो आइटरेटिव हमारा लूप है वो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज यूजर के पास अब चॉइस है कि वो फंक्शन जब सम कॉल करेगा तो वो चाहे तो दो लेवल तक उसको एम्बेड करे, चाहे तो 200 लेवल तक लेके जाए, इसकी तो हमें कोई श्योरिटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा सोल्यूशन जो कि एडिटिव सोल्यूशन है यहाँ पे क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली रिकर्सिव सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, ठीक है। हमें इस तरह की एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए एक रिकर्सिव लूप जो है वो रन करना पड़ेगा। अब रिकरियन बेसिकली क्या होती है, रिकरियन की अगर हम बाय डेफिनेशन बात करें तो अगर आप रिकर्सिव फंक्शन की बात करें तो उसमें हम ये कहते हैं कि एक ऐसा फंक्शन होता है जो अपने आप को कॉल कर रहा होता है, ठीक है, इट्स अ कॉल आ रही होती है, एक फंक्शन की जो है वो रिपीटेड कॉल आ रही होती है, वो अपने आप को कॉल कर रहा होता है। ये तो फंक्शन की डेफिनेशन के पॉइंट से बात करें अगर हम, ये तो रिकर्सिव फंक्शन है, लेकिन बेसिकली रिकरियन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसका बिहेवियर सेम हो लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो, बिहेवियर सेम हो, यानी बिहेवियर सेम का क्या मतलब है कि जैसे हम कह रहे हैं कि एक लिस्ट है, उस लिस्ट पे जो टॉप लिस्ट है उसमें भी सम हो रहा है, जो एम्बेड लिस्ट है उसको भी तो सम ही करना है ना, यानी मैंने जो एक फंक्शन बनाना है जो इनर लिस्ट को सॉल्व करेगा वही मेरा फंक्शन टॉप वाली लिस्ट को भी सॉल्व कर सकता है। प्रॉब्लम सिर्फ डेटा की है, डेटा की एम्बेडेडनेस की है, कॉम्प्लेक्सिटी की बात है। तो रिकर्सिव फंक्शन हमेशा वहां लिखे जाते हैं जहां पे बिहेवियर ऑफ फंक्शन या बिहेवियर ऑफ प्रॉब्लम सेम हो लेकिन वो जो प्रॉब्लम या बिहेवियर है वो क्या है, वो डीप हो, ठीक है, एक एक लेवल से दूसरे लेवल में, दूसरे से तीसरे में, यानी वो एक सीरीज ऑफ चेन हो जो कि एम्बेड सीरीज ऑफ चेन होती है। तो यहां अगर आप देखें तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि एक लिस्ट है ये वाली जिसको हमने कॉम्प्लेक्स लिस्ट कहा था, इस लिस्ट को मैं ब्रेक करूंगा, इसको मैं कुछ यूं ब्रेक करूं कि एक लिस्ट है 2 और 5 की, एक लिस्ट है 2 एंड 5 की, दूसरी लिस्ट है
बेसिकली 4 और 7 की, सॉरी 3 और 7 कर लें, 3 और 7 की, और जो नेक्स्ट लिस्ट है वो क्या है, 4 और 7 की, तीन लिस्ट है ये। अब अगर आप देखें तो मैं अगर जब इसको डिवाइड कर दूंगा कुछ इस तरह से कि मैंने इम्बेड लिस्ट को अलग अलग कर दिया, तो मेरा वही सम फंक्शन जो है इसको भी सम कर सकता है। मैं इस पे सम अप्लाई कर दूं तो मैं वही सम फंक्शन अगर इस लिस्ट पे अप्लाई कर दूं, इसी तरह से वही सम फंक्शन इस लिस्ट पे अप्लाई कर दूं, और सेम वही फंक्शन जो है मैं इस लिस्ट पे अप्लाई कर दूं, मेरा वो सम फंक्शन क्या है इन वैल्यूज का, इन लिस्ट का क्या कर सकता है, सम कर सकता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो एम्बेडेड है। अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं, कैसे डिवाइड कर दूं कि उन लिस्ट की जो एम्बेडेडनेस है उसको खत्म करके सेम वही वाला फंक्शन ओनली लिस्ट के ऊपर अप्लाई करवा दूं, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस मुझे करना ये पड़ेगा कि फिर इन तीन कॉल्स का जो रिजल्ट है उसको फिर एंड पे कंबाइन करना पड़ेगा। इट मींस कि मैं अगर ये तीन कॉल अलग अलग से परफॉर्म करता हूं और इनके जो आंसर्स हैं उन आंसर्स को मैं अगर यूं एक प्लस फंक्शन अप्लाई करते हुए कंबाइन कर लूं तो रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास। ऐसे ही है ना। इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम रिकर्सिव सॉल्यूशन के साथ क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, रिकर्सिव में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली बात यह है कि जब भी आप रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं तो रिकर्सिव फंक्शन इटसेल्फ एक लूप होता है। जब एक फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल कर रहा है, जैसे आपने C++ में पढ़ा होगा कि जब आप लाइक गो टू की स्टेटमेंट लगाते हैं तो वो क्या करती है, वो जंप स्टेटमेंट होती है, तो वो लाइन ऑफ कोड के वापस स्टार्ट में आ जाती है, तो स्टार्ट से फिर जो है वो एक कंटिन्यूस लूप में आ जाते हैं। तो जब आप रिकर्सिव सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ये भी आप भी समझ लेंगे एक जंप स्टेटमेंट है। बेसिकली क्या कर रहे हैं आप कि अब हम रिकर्सिव सॉल्यूशन की जब बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि भाई ये जो टॉप लूप है डू लूप ये वाला, ये जो है सम कर सकता है। मैं अब ये जो इनर लूप था ये वाला सारा, इस लूप को हम क्या करेंगे, इनर लूप को इस लूप की जगह पे मैं बेसिकली क्या करूंगा, इस सारे की जगह पे वो उसी फंक्शन को दोबारा कॉल करवा लूंगा, सम एम्बेडेड को इसकी जगह पे क्या करूंगा, इस सारे कोड की जगह पे कंट्रोल को यहां से जंप करवाऊंगा, और जंप करा के वापस कहां पे लेके आऊंगा, स्टार्ट में लेके आऊंगा। और पहले एक्स में एक एम्बेडेड लिस्ट थी, अब मैं क्या करूंगा, वो उस लिस्ट को जो मैंने ब्रेक किया है डिफरेंट पार्ट्स में वो जो है यहां एक्स की जगह पे पास कर दूंगा। यानी इन शॉर्ट मैंने जंप स्टेटमेंट अप्लाई करनी है, और जंप हमेशा क्या होता है, एक लूप होता है। तो जब भी आप जंप स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं तो एक चीज आपको करनी पड़ती है कि आप जब जंप करवा रहे हैं तो उस लूप को, वो एक कंटिन्यूस लूप बनता है, उस लूप को खुद से क्या करना पड़ता है, आपको किसी कंडीशन बेस पे ब्रेक कराना होता है। ठीक है। तो इन शॉर्ट जब आप रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखते हैं तो इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप क्या करते हैं, उसको ब्रेक कराते हैं। तो आपको स्टॉप करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन डिफाइन करनी पड़ती है। क्यों डिफाइन करनी पड़ती है, बिकॉज वो एक कंटिन्यूस लूप होता है, वो इटसेल्फ फंक्शन कॉल कर रहा होता है अपने आप को, और वो अगर कंटिन्यूसली कॉल करना शुरू कर दे तो वो फिर ब्रेक ही नहीं होगा, किसी कंडीशन की बेस पे उस लूप को हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो रिकर्सिव में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है स्टॉपिंग कंडीशन, और उसे हम कहते हैं बेस केस। ये वो केस होगा, इसे हम क्या कहेंगे, बेस केस। तो ये वो केस होगा जिसकी बेस पे आपका ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट करेगा। सो रिकर्सिव में जो इम्पोर्टेंट बात होती है, हमें क्या लिखना पड़ता है, बेस केस डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, हमें डिफाइन करना पड़ेगा एक बेस केस। तो सबसे पहले बेस केस लिखा जाता है। इसे हम बेस केस क्यों कहते हैं, थोड़ी देर में एग्जांपल में करूंगा तो आपको बात समझ आएगी। बेस केस ये ऐसा केस होगा जो एग्जीक्यूट होगा तो इस की बेस पे आपका फंक्शन बाकी आइटरेशन कंप्लीट करता है। यानी आप ये समझ लें कि ये वो कंडीशन होगी जो कि एक रिजल्ट जब सेंड करेगी तो उस रिजल्ट की बेस पे बाकी जितनी भी एम्बेडेड कॉल्स हैं वो वेट कर रही होती हैं, और वो अपनी एग्जीक्यूशन फ्लो को क्या करते हैं, कंप्लीट करती हैं। ठीक है। तो जरा देखते हैं बेस केस कैसे होगा। तो मैं यही सेम एग्जांपल जो है एक फंक्शन लिखते हैं हम डीफन, इसका नाम मैं रख रहा हूं सम एम्बेडेड। ठीक है जी, एक आर्गुमेंट आएगी एक्स। पहले हम क्या करते थे, लूप लगाते। ठीक है, लेकिन अब मैं लूप नहीं लगाऊंगा, मैं बेसिकली कुछ यूं डिफाइन करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि कंडीशन
ये कंडीशन का क्लॉज हो जाएगा, ये फर्स्ट क्लॉज है। और फर्स्ट क्लॉज में ये कह रहा हूं कि नल ऑफ एक्स, इफ नल ऑफ एक्स देन रिटर्न वैल्यू, मैं यहां जीरो रिटर्न कर रहा हूं। डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली इसका क्या मतलब है। ये केस वन हो जाएगा। दूसरा केस में मैं ये कह रहा हूं प्लस सम, चले ऐसा करते हैं सम बैड की जगह मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि सिंपल सम कैसे होगा रिकर्सिव सॉल्यूशन के साथ, सिंपल सम जो हम पहले करते रहे हैं फ्लैट लिस्ट का सम। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ उसमें आप क्या करते थे, पहले लूप जब लगाते थे तो एक कंडीशन लगाते थे ना एंड पे कि जब नल होगा तो क्या रिटर्न होगा, वहां से आप सम का एक लोकल वेरिएबल बनाते थे जिसको रिटर्न करते, ऐसे ही है। यहां मैं क्या कह रहा हूँ, जब सम नल ऑफ एक्स होगा तो क्या रिटर्न करो, सम वेरिएबल नहीं रिटर्न कर रहा, उसकी जगह मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, जीरो। जरा देखिएगा उसका बेनिफिट क्या होगा। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि प्लस कार ऑफ एक्स विद सम एंड सीडीआर ऑफ एक्स, और इस वाले केस को मैं एक डिफॉल्ट केस बना रहा हूं। जी तो ये फंक्शन है, जरा देखिए इसका मतलब क्या है। ये कॉल कुछ यूं होगा सम सम वैल्यूज, कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। अब जब ये कॉल होगा फंक्शन तो क्या होगा, ये सारी वैल्यू जो कि हाईलाइटेड वैल्यू है ये एक्स को पास होगी। एक्स में जब ये वैल्यू पास होगी तो हम सबसे पहले, मैंने क्या बताया था कि रिकर्सिव सॉल्यूशन में सबसे पहले बेस केस लिखा जाता है। आप क्या सोच लेंगे बेस केस है, बेस केस ये कहता है कि जब तक एक्स नल नहीं होता, अगर एक्स नल होगा तो रिटर्न क्या करना, जीरो, और अगर एक्स नल नहीं है तो अदरवाइज के केस में हमने उसे डिफॉल्ट बना दिया। तो मैं ये कह रहा हूं जब तक एक्स नल नहीं है तब तक क्या करो कि जो पहला एलिमेंट है एक्स का उसको एड करवा दो किसके साथ, रिमेनिंग फंक्शन कॉल के साथ, रिमेनिंग फंक्शन कॉल के साथ। रिमेनिंग फंक्शन कॉल है ये सम फंक्शन अपने आप को कॉल करवा रहा है। क्या कर रहा है ये बेसिकली, पहले कार ऑफ एक्स में ये सारी लिस्ट पास हो रही थी, अब वो कह रहा है क्या करो कि इस लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है उसको प्लस करवा दो और जो बाकी एलिमेंट है उसकी रिकर्सिव कॉल के साथ। तो बेसिकली जब ये सम फंक्शन कॉल होगा और ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो एक्चुअली बैकएंड पे आपकी ये जो कॉल है इसके साथ एक और कॉल जो है वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगी। और वो कैसे होगी कि आप यूं समझ लें कि आपने ये कॉल की है सम, आप कह रहे हैं सम हो, किसका सम हो जी, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये कॉल आपने की है। लेकिन जो आपका कोड है वो ये कह रहा है कि जब तक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तब तक क्या करो, पहले वैल्यू को जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको रिमेनिंग के साथ सम कराते जाओ। तो बेसिकली आपकी ये जो कॉल है उसके अगेंस्ट बैकेंड पे कुछ यूं जो है एक और कॉल आ गई है। वो कहता है कार ऑफ एक्स, तो कार ऑफ एक्स में क्या होगा, सी होगा, और कहता है यहां पे क्या करो, सम करो किसके साथ, रिमेनिंग लिस्ट के साथ, 4, 5, 6, 7, 8। आपने ये कॉल की फर्स्ट वाले, आपके सिस्टम ने बैकेंड पे एक और कॉल भेज दी, और वो कॉल क्या है, वो कहता है क्या करो फर्स्ट एलिमेंट को सम करवाएं रिमेनिंग लिस्ट के एलिमेंट के साथ। अब रिमेनिंग कॉल, अब मुझे ये बताएं कि इस वाली कॉल में ये जो मैंने हाईलाइट की है इसमें और इस कॉल में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डेटा का फर्क है, कोई फंक्शन कॉल हो रहा है, ऐसे ही है ना। अच्छा अब ये प्लस फंक्शन जो है वेट करेगा, उसकी जो पहली आर्ग्यूमेंट 3 वो नंबर है, नंबर ही रहते हैं, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है। सेकंड जो है ये एक फंक्शन कॉल है, फंक्शन को कॉल कर दिया जाएगा। जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो पहले एक्स में जो है वो 3, 4, 5, 6, 7 पास हो रहा था, अब क्या पास होगा, 4, 5, 6। जब 4, 5, 6 पास होगा तो दोबारा चेक किया जाएगा एक्स नल है नो, देन अगेन डिफॉल्ट केस, और डिफॉल्ट केस में कहता है कि जो अभी एक्स की वैल्यू आई है उसका कर लो और उसको रिमेनिंग के साथ फिर से एक कॉल भेज दो। इट मींस कि ये जो कॉल है यहां पे क्या होगा बेसिकली कि ये कॉल वेट कर रही थी,
ये जो टॉप वाली कॉल है ये वेट कर रही थी और साथ में एक और कॉल चली गई, और वो कॉल क्या है, बेसिकली ये कह रहा है कि आप क्या करो, 4 को ऐड करो, रिकर्सिव सम ऑन रिमेनिंग, ये समझिए बात। वो भी रिटर्न किया, प्लस फंक्शन इज वेटिंग फॉर द सेकंड आर्ग्यूमेंट। करियर में ऐसी होता है, आपने एक टर्म सुनी होगी कि रिकर्सिव फंक्शंस आर वेरी हैवी फॉर द सिस्टम, वो रीजन यही होती है कि एक कॉल जो है वो वेट कर रही होती है, उसने किसी और कॉल को इन्वोक किया होता है, वो कॉल जो है वो किसी थर्ड कॉल को इन्वोक कर रही होती है, एंड ये एक चेन बनना शुरू हो जाती है, और पहला प्लस वेट कर रहा होगा, अब आपका सिस्टम जो है उसको कहाँ सेव करेगा, वो फिर रैम यूटिलाइज करता है, आपके सिस्टम के जो है कैश मेमोरीज यूटिलाइज होना शुरू हो जाती है, बिकॉज ये वो कोड ऑफ प्रोग्राम है जो कि अभी एग्जीक्यूशन फ्लो में जा चुका है, सीपीयू के पास जा चुका है। अब सीपीयू कह रहा है कि आपने सीपीयू से कहा बेसिकली क्या करो, इन दो फंक्शंस को या दो वैल्यूज को ऐड करो, और वो ऐड करने जब गया उसने देखा पहली वैल्यू तो उसे फेच हो रही है, सेकंड वैल्यू को फेच करने के लिए उसे एक और कॉल इन्वोक करनी पड़ रही है, तो अब सीपीयू के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बिकॉज उसको पहले वाला जो उसने वैल्यूज रजिस्टर से गेट की होंगी उन्हें कहीं शायद सेव करना पड़ेगा, तो वो जो सेविंग का प्रोसेस है यही हेक्टिक होता है आपके प्रोग्राम्स के लिए, इसलिए जो है वो कॉल्स जो है वो एक्सपेंसिव होती है, रिकर्सिव कॉल्स, सेम फंक्शन कॉल। अब वो डिफरेंट चीज है, आप रिकरियन ये होगी कि सेम नेम का फंक्शन, यानी सेम फंक्शन अपने फंक्शन इटसेल्फ कॉल करेगा, वो रिकरियन होगा, एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन कॉल करना वो रिकरियन नहीं है, वो कोड की रीयूजेबिलिटी है, ठीक है। तो हम यहां तक पहुंचे थे, बेसिकली क्या हुआ था, अब ये प्लस वेट करेगा, 4 आर्ग्यूमेंट उसे मिल चुकी है, बट सेकेंड आर्ग्यूमेंट में ये कॉल जा चुकी है, इस कॉल में और इस कॉल में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि इस कॉल के अगेंस्ट एक्स ये पास होगा, एक्स में जब ये वैल्यू पास होगी तो नल ऑफ एक्स फिर फॉल्स होगा, डिफॉल्ट केस ट्रू होगा, और अगेन यहां क्या होगा, आप कह रहे हैं क्या करो, प्लस 5 विद 6, 7, 8, ठीक है, सेम। अब एक्स क्या है, ये वैल्यू है एक्स की, ये वैल्यू अगेन जो है वो नल नहीं है, तो वो जो बेस केस है वो फॉल्स हो जाएगा, डिफॉल्ट केस चलेगा, जब डिफॉल्ट केस चलेगा तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि क्या करो, प्लस करो, किसके साथ प्लस होगा, प्लस 6 विद रिमेनिंग वैल्यू 7, 8, एंड अगेन इस केस में क्या होगा, बेस केस फिर फॉल्स हो जाएगा ना, बिकॉज अभी भी एक्स की वैल्यू जो है वो नल नहीं है, सो यहां क्या होगा, क्या होना चाहिए, 7, यहां 8 हो जाएगा, फिर से x की वैल्यू जो है वो नल नहीं है, जब x की वैल्यू नल नहीं है फिर डिफॉल्ट केस चलेगा, और नेक्स्ट जो आइटरेशन है उसमें क्या होगा, बेसिकली होगा ये प्लस 8 विद सम, एंड CDR ऑफ जब लिस्ट होगी बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा एम्प्टी लिस्ट, क्या हो जाएगी, एम्प्टी लिस्ट। अब ये जो सम फंक्शन है वो कॉल हो रहा है किसके साथ, एक एम्प्टी लिस्ट के साथ, एम्प्टी लिस्ट के साथ कॉल हो रहा है, जैसे ही एम्प्टी लिस्ट के साथ कॉल होगा तो ये जो बेस केस है नल ऑफ एक्स ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, जैसे ही ये ट्रू होगा तो ये जो कंडीशन है उसमें से उसने यहाँ क्या रिटर्न कर दिया, 0 रिटर्न कर दिया, और यहां से बात शुरू होगी अब, और ये जो बात शुरू हो रही है इसी को कहा जाता है बेस केस। आपने देखा कि ये जो नल ऑफ एक्स की कंडीशन है फंक्शन में लिखी हुई तो सबसे पहले है, लेकिन ये रिजल्ट जो है वो आपको सबसे एंड पे दे रही है, और ये रिजल्ट की अब बैक ट्रैकिंग होगी, ये सम जो है वो एम्प्टी लिस्ट के लिए रिटर्न करेगा वैल्यू, और इस वैल्यू की बेस पे ये जो सीरीज ऑफ फंक्शन चल रहे थे ये सारे क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, ये रीजन है, इसे हम क्या कहते हैं, बेस केस, ठीक है। तो अब हम यहां पे क्या कहेंगे कि जब ये कॉल खत्म होगी तो बेसिकली इस सम और एम्प्टी लिस्ट ने यहां से जो रिटर्न करना है वो रिटर्न क्या करना है, बेस केस में हम 0 रिटर्न कर रहे हैं, सो होगा ये कि जैसे ही ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो कुछ यूं होगा कि प्लस किया जाएगा 8 को किसके साथ, 0 के साथ, इस कॉल का जो रिजल्ट है, इस सारी कॉल का रिजल्ट क्या होगा, 8 आएगा, 0 प्लस 8,
ये जो रिजल्ट है 8, ये बेसिकली रिजल्ट था इस वाली स्टेटमेंट का, ये कॉल थी ना जो इन्वोक हुई थी, तो उसने ये मजीद कॉल जनरेट की थी। ये 8 इसकी जगह चला जाएगा। ये जो प्लस वेट कर रहा था, फर्स्ट आर्गुमेंट 7 थी, दूसरी आर्गुमेंट ने उसको रिजल्ट 8 दे दिया, 8 + 7 = 15, ये इसका आंसर है। 15 + 6 = 21, इसका आंसर है। 21 + 5 = 26, इसका आंसर है। +4 = 30, इसका आंसर है। +3 = 33, एंड ओवरऑल आपका ये जो फंक्शन है ये आपका आंसर क्या देगा, 33। बात समझ गई? अच्छा, अब ये तो फ्लैट लिस्ट है, ये क्या है, ये एक सिंपल फ्लैट लिस्ट है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि मैं एम्बेडेड लिस्ट को सॉल्व करने के लिए मुझे तकरीबन एक पूरा घंटा लग गया और मेरा फंक्शन अभी तक सेट नहीं हुआ, ठीक है। और इवन वो जो मैं सोल्यूशन कर रहा था वो मैं सिर्फ 2 लिस्ट को सॉल्व करने के लिए कर रहा था, वो मेरा कोई जेनेरिक सोल्यूशन भी नहीं था, ठीक है। लेकिन रिकर्सिव फंक्शंस जो है वो कितने पावरफुल होंगे आप जरा देखिएगा कि मैं सिर्फ यहाँ पे इसमें क्या करूंगा, जस्ट एक लाइन को कोड ऐड करूंगा। वो लाइन का कोड क्या था, हमने क्या कहा था, जब लिस्ट पी होगी क्या होगा, जब लिस्ट पी ऑफ एक्स होगा, एक्स क्या होगा, जब लिस्ट पी होगा, और एक्स लिस्ट पी नहीं बल्कि क्या होगा, कार ऑफ एक्स जब लिस्ट पी होगा, जब क्या होगा, कार ऑफ एक्स लिस्ट भी होगा। तो ये वही कंडीशन थी ना जिसमें हमने एक इनर लूप चलाया था। तो अब जरा यहां देखिएगा कि यहां इनर लूप कैसे चलेगा। मैं करूं प्लस सम ऑन कार ऑफ एक्स, क्या किया मैंने, मैं पहले वाले केस में हम कह रहे थे कि प्लस कार ऑफ एक्स, सिर्फ कार ऑफ एक्स को क्या कर दो, सम कर दो। बट यहां मैं क्या कर रहा हूं, प्लस कार ऑफ एक्स के ऊपर एक लूप चलाओ। ये जो कॉल है सम ऑन कार ऑफ एक्स बेसिकली ये एक लूप है, रिकरियन। ये जो मैंने लिखा प्लस, पहले मैं लिखता था यहाँ कार ऑफ एक्स, अब मैं कह रहा हूं प्लस कॉल ऑफ फंक्शन ऑन फर्स्ट एलिमेंट। तो ये जो कॉल ऑफ फंक्शन ऑन फर्स्ट एलिमेंट जाएगी वो बेसिकली एक लिस्ट होगी और वो एक और लूप जो है वो एज्यूम होगा। तो जरा देखिए कि कार ऑफ एक्स, और फिर यहां मैं कह रहा हूं क्या करो, सम ऑन सी डी आर ऑफ एक्स, ये यहां सम फंक्शन क्लोज, ये प्लस फंक्शन क्लोज, और इसी तरह ये जो है वो क्लोज क्लोज हो जाएगा, और ये डिफॉल्ट केस है, कंडीशन है और मेरा फंक्शन है। आप देखें तो ये एक फ्लैट लिस्ट को भी सॉल्व कर रहा है, और हम अगर एम्बेडेड लिस्ट इसमें इंक्लूड करें ये उसको भी सॉल्व कर ले, ठीक है। अब जरा देखिए मैं अब चाहूं तो इसमें जितनी मर्जी लिस्ट एम्बेड कर दूं, मैं इस 5 को 3 मर्जी लिस्ट में एम्बेड कर रहा हूं। इस फंक्शन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली ये जब जब लिस्ट आएगी तब तब एक लूप चलाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर ये वाली एग्जाम्पल, ये वाली अगर मुझे आइटरेशन के साथ सॉल्व करनी होती तो ये एम्बेडेड लिस्ट कितनी है, 5 लिस्ट है, बल्कि 5 लिस्ट है, मुझे 5 लूप्स लगाने पड़ने थे इस केस, ठीक है। और स्टिल वो 5 लूप्स है वो एक जेनेरिक सोल्यूशन नहीं था, यूजर 5 की जगह 6 कर देगा तो वो आपका कोड जो है वो सारा बेकार हो जाएगा, फेल हो जाएगा, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, ये रिकरियन की पावर है। बेसिकली यहाँ अब मैं चले आइट्रेट कर लेते हैं ना इसको, जी पहले यहाँ केस कुछ यूं था, यहाँ फर्क था, मैं अगर इसको एम्बेडेड लिस्ट बना दूं, ये सर अलग से चले, तो ये जो आइट्रेशन थी हमारी सिंपल थी, और मैं जो है यहाँ पे इसी को कॉपी कर रहा हूँ, चेंज जो आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सेकंड है ये एम्बेडेड लिस्ट के लिए है, जी बेसिकली मैं यहाँ पे अब इस लिस्ट को मजीद एम्बेड कर रहा हूँ, चलें स्टार्ट से कर लेते हैं 4 और 5। अब होगा ये कि जब आपका कोड स्टार्ट होगा, ये कॉल है,
तो null of x की कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। लिस्ट भी कार ऑफ एक्स में अब क्या आ रहा होगा, थ्री आ रहा है, अगेन लिस्ट भी की कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। और डिफॉल्ट केस में कंट्रोल जाएगा, वो कहता है कार ऑफ एक्स को सम सी डी आर पे कॉल करवा लो, तो यहाँ पे प्लस कार ऑफ एक्स में थ्री आ जाएगा, सम सी डी आर पे जब ये कॉल होगा तो जो चेंज आएगा सिर्फ वो ये होगा कि अब ये एक मेड लिस्ट आ जाएगी, यूं एक लिस्ट आ जाएगी। सम फंक्शन जो है वो अब एक लिस्ट पे कॉल हो रहा है, इस लिस्ट पे कॉल हो रहा है, और इस लिस्ट के अंदर जो पहला एलिमेंट है वो एक मजीद क्या है, एक मेड लिस्ट है, फोर फाइव सिक्स पे कॉल हो रहा है, और बेसिकली ये इस लिस्ट पे कॉल हो रहा है ना यहां से लेके यहां तक। तो ये बता रहा हूं कि वो जो जिस लिस्ट पे कॉल हो रहा है उस लिस्ट के अंदर क्या है, फोर फाइव सिक्स की एक मजीद लिस्ट है। सॉरी आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ऐसे है, सही है। अच्छा अब जब जब ये सम की कॉल जाएगी और x ये जाएगा तो बेसिकली null of x की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लिस्ट पी कार ऑफ एक्स की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। लिस्ट पी कार ऑफ एक्स, कार ऑफ एक्स जो है ये एक्स था, उसका जो कार है वो क्या है, अब एक लिस्ट है, ये लिस्ट है, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो अब यहां चेंज आना शुरू होगा। वो कहता है क्या करो, प्लस प्लस करो, पहले तो हम यहां कहते थे प्लस करो कार ऑफ एक्स के साथ, बट यहां पे अब हम कह रहे हैं कि प्लस करो सम, प्लस करो क्या, प्लस करो रिकर्सिव कॉल करो, एक यानी सम को कॉल कर लो कार ऑफ एक्स के साथ, और कार ऑफ एक्स क्या है, फोर फाइव की लिस्ट है, ठीक है। और साथ हम क्या कह रहे हैं कि सम को कॉल करो, किस पे कॉल करो, सी डी आर ऑफ लिस्ट के साथ, और सी डी आर ऑफ लिस्ट यहां क्या होगी, सिक्स सेवन एट, यहीं से दो पार्ट, जी अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, जो फर्स्ट लिस्ट है वो अलग और सेकंड लिस्ट जो है वो अलग। अब जरा यहां देखें, पहले वाले केस में एक ये कॉल जाती थी, जो फर्स्ट एलिमेंट था वो सॉल्ट था, पहले से नंबर था, यहां फर्क है, यहां जो पहला एलिमेंट है वो भी एक रिकर्सिव कॉल है, जो सेकंड एलिमेंट है वो भी क्या है, एक रिकर्सिव, और ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये अलग लूप है, जो सेकंड एलिमेंट है वो अलग लूप, क्लियर है ये बात। अब चूंकि इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ये है, जो फर्स्ट वाले ने सर वो एक ही लगा चुके, जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है वो क्या होता है, सॉरी ये की रब कर दिया कुछ मैंने, कंट्रोल जी भी नहीं हो रहा। खैर तो हम कहां तक पहुंचे थे कि हम यहां पे थे, ये दो डिफरेंट जो है वो कॉल चल पड़ी थी, दो डिफरेंट कॉल चल रही थी, एक ये वाली कॉल है अलग से, ये वाली फोर फाइव वाली, और एक है सिक्स सेवन एट वाली, ठीक है। टाइम भी हो गया मेरे ख्याल है ना, चले मैं इसे जरा जल्दी से करता हूँ सॉल्व। तो अब आपको एक चीज तो समझ आ गई कि जब ये कॉल चलेगी तो बेसिकली क्या होगा, इस कॉल के अगेंस्ट मैं अगर लिखू जल्दी में तो बेसिकली यू होगा कि प्लस होगा फोर, और फिर ये होगा कि सम होगा, और वो लिस्ट ऑफ फोर के साथ सम होगा, ये प्लस यहां तक, सॉरी प्लस तो वेट कर रहे हैं यहां पे, सम फाइव के साथ होगा, ऐसे ही है, ठीक है। अब जब सम फाइव की कॉल जाएगी, ये वाली कॉल, तो बेसिकली फोर प्लस फाइव विद सम, और सम जो है एम्प्टी लिस्ट के साथ हो जाएगा। अब यहां से एम्प्टी लिस्ट जब आ जाएगी तो नल की कंडीशन शुरू हो जाएगी, नल जब ट्रू होगा तो यहाँ रिटर्न होगा जीरो, जीरो प्लस फाइव आंसर यहाँ जाएगा फाइव, फाइव प्लस फोर नाइन, तो ये जो सारा रिजल्ट है इस सारे रिजल्ट की जगह चला जाएगा नाइन, प्लस फंक्शन की फर्स्ट आर्गुमेंट कंप्लीट होगी। वो प्लस फंक्शन आप कहते हैं फर्स्ट आर्गुमेंट कंप्लीट होगी, बट सेकंड तो रहती है, ये वाली कॉल, तो ये वाली कॉल जो है वो अब चलाएगा वो इससे आगे नेक्स्ट पे, जब ये कॉल चलाएगा तो ये एक सिंपल फ्लैट लिस्ट की कॉल है, एग्जैक्टली वैसे ही होगा, सम अप होंगी वैल्यू सिक्स सेवन एट, यहां से सिक्स सेवन एट का आंसर जो आएगा वो क्या होगा, ट्वेंटी वन, सिक्स प्लस सेवन प्लस एट, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू,
21 जो है और 5 प्लस 4 9 जो है आपस में ऐड होंगे, आंसर क्या होगा 30, ये 30 इस सारे की जगह चला जाएगा और 30 प्लस 3 33 सही है, समझ गए आप। तो ये बेसिकली जो है वो रिकर्सिव सॉल्यूशन का बेनिफिट है। तो अब यहाँ पे देखें, मैं आपको थोड़ी पहले भी बता रहा था कि इसी वजह से रिकर्सिव जो सॉल्यूशंस हैं या रिकर्सिव जो कोड होती है वो सिस्टम के लिए हैवी होती है। क्यों हैवी है जरा नोट करें, जब आप आइटरेटिव फंक्शन लिखते थे तो यहाँ पे जो प्लस थ्री आप आइटरेटिव सॉल्यूशन के अंदर लोकल वेरिएबल बना लिया करते थे, यहाँ पे कोई लोकल वेरिएबल नहीं है। जब आप लोकल वेरिएबल बनाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो जो लोकल वेरिएबल है वो सेव हुए हैं। कहाँ सेव हुए हैं? वो रैम में सेव हुए हैं। जब वो रैम में सेव हुए हैं तो ये रिजल्ट्स जब आपका जो कंपाइलर है या जो आपका सीपीयू है वो रिजल्ट्स को वापस उधर भेज रहा होता रैम में। लेकिन अगर आपने कोई लोकल वेरिएबल नहीं बनाया हुआ, अब यहाँ अगर आप देखें तो ये जितनी भी एम्बेडेड कॉल्स थी इन कॉल्स में कितने फंक्शन कॉल हो रहे हैं, प्लस के कितने फंक्शन कॉल हो रहे हैं, यहाँ पे ये चार फंक्शन तो यहां तक कॉल हो रहे हैं, अभी ये यहाँ पे भी कॉल होने हैं। तो इन चार पांच या दस फंक्शन के जो रिजल्ट हैं अभी रिजल्ट भी कंप्लीट नहीं हुए, एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं, ये प्लस फंक्शन जो है इसके लिए वेट कर रहे हैं, इसने इसको कॉल करवा लिया, इसने इसको कॉल किया, इसने फिर इसको कॉल कर लिया। अब ये रिजल्ट भेजेंगे तो ये जब यहां जाएगा तो फिर इसकी बारी आ जाएगी। एक फंक्शन की जो कॉल है उस कॉल में शायद आपको 1000 फंक्शन और कॉल मिल जाए। जी, फैक्टोरियल की एग्जांपल रिकर्सिव सॉल्यूशन ही है बेसिकली। तो अब यहाँ ये समझा रहा था आपको कि आपके सिस्टम को ऑब्वियसली ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। अब आपके सीपीयू की जितनी भी लोकल मेमोरीज होती हैं वो यूटिलाइज होती हैं, ठीक है, जो कैश मेमोरीज होती हैं वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाती हैं। अब रैम का तल्लुक खत्म हो रहा है यहाँ से, इसलिए ये सिस्टम वो जो है हैवी होता है। तो आपके सिस्टम बेसिकली क्या करते हैं, सीपीयू के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आप जो है यूटिलाइज होंगे, सीपीयू के अपने रिसोर्सेज हैं वो इस केस में यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। प्लस जो आपके लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जब भी उनके पास कोई रिकर्सिव कॉल जाती है और अगर वो कोई कॉल हैवी हो तो वो उसे आइटरेटिव सॉल्यूशन में पहले कन्वर्ट करते हैं और देन एग्जीक्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम को बिठा सकती हैं वो कॉल्स, सिस्टम को हैवी करने में वो जो है वो बड़ा आसान होता है कि आप एक रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखें जो सिस्टम को जो है वो डाउन कर दे, ठीक है। तो जब कॉल जाएगी सिस्टम के पास वो आप अगर रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं और आप जो है वो जैसे यहाँ पे मैंने कॉल की थी, बेसिकली मैंने बहुत लेवल तक इसको एम्बेड कर दिया था ये, तो क्या ये वाली जो रिकर्सिव कॉल है ये आइटरेटिव सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो सकती है? ये वाली कॉल आइटरेटिव सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो सकती है? हो सकती है। कैसे हो सकती है? अब इस कॉल में हमें पता है कि कितने लूप लगे हैं, जितने लेवल एम्बेड होंगे उतने फॉर लूप लगा लेंगे, डू लूप लगा लेंगे। तो आपका सिस्टम यही काम करता है कि रिकर्सिव कॉल्स को आइटरेटिव कॉल्स में कन्वर्ट करके देन जो है वो सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए भेजता है। ये इंटेलिजेंट जो सिस्टम है आपके ओएस है वो ये काम करते हैं ताकि आपके सिस्टम के रिसोर्सेज हैं वो कम यूटिलाइज हो, ठीक है। लेकिन एज अ प्रोग्रामर ऐसी प्रॉब्लम्स को आप आइटरेटिव सॉल्यूशन के साथ सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज एज अ प्रोग्रामर आपको नहीं पता होता कि इस फंक्शन को आर्ग्यूमेंट क्या मिलेगा। हाँ, सीपीयू को पता होगा जब कॉल आएंगे तो वो कॉल कितने लेवल की एम्बेडेड है, ठीक है, समझिए ये बात।